अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए, और अब मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। और मेरी सुबह का आगाज़ होता है सूरत वाकिया से। वाक्या सुनने के बाद मैं अपने रूटीन के काम करूँगी। यहाँ में मैं फेस वॉश कर रही हूँ, गोल्डन का फेस वॉश है। कुछ फॉर्म में है, जेल फॉर्म में। खाना वाना खाने के बाद मेरा किचन, मैंने सोचा किचन की ड्यूटी नहीं करनी, क्योंकि मेरा ओवन जो है वो ख़राब हो गया है, उसको मैंने ठीक करने के लिए दिया है। सो मैंने सोचा आज स्लैब अगर खाली हो गई है बाई चांस तो ठीक है, इसको इस साइड पे कर लेते हैं चूल्हे को। मुझे लगता है कि औरत की आधी ज़िंदगी तो किचन में गुजरती है, मेरे साथ तो ऐसा ही है, आप सबका पता है ना। आप सब भी बताइएगा मुझे कि आपका दिन कैसा गुजरता है। तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं सुबह से किचन में हूँ। मैं अगर किसी को बोल दूँ कि मैं काम में बिजी थी तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। अगर मैं पूरा दिन किसी से बात ना कर सकूँ और बोल कि मैं काम में बिजी थी तो शायद किसी को इस चीज़ पर यकीन नहीं है। हमेशा की तरह जल्दी में नहीं तो पानी जा सकता है, बल्कि जाएगा जरूर, बाहर नहीं जाएगा। देखिए, ये ब्रश मैंने दराज से बाय किया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्लैब को पहले मैंने रफ कपड़े के साथ मैक्स लिक्विड के साथ साफ किया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो थी मैल के टैल जम चुकी थी जहाँ पे ओवन रखा था। अभी ओवन वहाँ से हटा है, अब इसके बाद मैं इसके साथ इसको साफ कर दूँगी।
देखिए पानी बिल्कुल कम हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा काम भी कम्प्लीट हो चुका है। देखिए पानी बहुत कम डालते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है स्लैब, बिल्कुल नीट क्लीन हो चुकी है। देखिए अब ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बर्तन है, इसके अंदर मैं डालूँगी पौने। ये एक रोटी के लिए ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है, रोटी सेकने के लिए, ऐसे अगर वो पौना ख़राब हो जाता है। पानी में मैंने डाला था थोड़ा सा सर्फ, अब डालूँगी थोड़ा सा लिक्विड बार। जी जी अच्छा, मैं अभी लाइट आती है ना, ठीक है, अब मेरे बेटे की पसंद के कार्टून लगाऊंगी मैं सारा टाइम, अब आपकी आप यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी मैं। अब ये एक दो घंटे के लिए ये ऐसे ही गर्म पानी में चूल्हे पे रहेगा हल्की आंच पे, तो इसके अंदर जो भी ऑयल वगैरह है वो सारा निकल जाएगा। इब्राहिम आप किस चक्कर में बैठे जान दो, इब्राहिम नहीं करो, आज तीसरी करनी है आपने। अभी किधर जा रहे हैं बैंक, अभी बैंक जा रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने तवे को गर्म किया था, बहुत गंदा हो गया था पराठे बनाने की वजह से, इसको मैंने गर्म करके लाइट के साथ ही इसके ऊपर ये देखें, ये जितना भी इसके ऊपर ऑयल जम गया था, जम के जल गया था, तो ये बिल्कुल उतर गया। और इस पर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला था विनीगर, विनीगर डालने से ये बिल्कुल ईजीली ये सारा इसका कचरा निकल जाता है। इसको मैं फेंक के फिर इसको मैं वॉश करूँगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किचन की कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से वहीं पड़ी थी, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, कुछ क्लियर ठीक नहीं थी, और मैं इसको पैक करूँगी। ओके बेटा, कौन था नहीं ये बॉक्स है छोटी छोटी, ये भी मैंने दराज से बाय की थी। ये 4 पीस का सेट था, मे बी 350 इतने में किया था पाया मैंने। ये बास्केट मैंने ओवन के ऊपर रखी होती है, लेकिन ओवन जैसे कि मैंने दिया हुआ है ठीक करवाने के लिए, उसके बाद ये ओवन भी आ जाएगी। 2 बज रहे हैं तकरीबन, 2 का टाइम हो रहा है, 2 का टाइम हो रहा है, और मेरे किचन का काम अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की है। जी क्या बाहर की तरफ सीलिंग की तरफ एक विंडो है, वहाँ से वो सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है।
ये अब ये एक डेढ़ घंटे के लिए ये ऊपर ही ये कुड़ते रहेंगे। उसके बाद जब ये अपनी मैल के चैन सारी छोड़ देंगे उसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी। अब मैं खाना खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं बाकी काम ख़त्म करूंगी। बच्चों को पढ़ाना भी है, स्कूल की उसकी स्टडी वगैरह जो होमवर्क मिला है वो करवाना है। तो बस वैसे भी अब मैं थक चुकी हूँ। वो कहते हैं ना ज़िंदगी मुक जाती कम नहीं मुकते, बस वही हिसाब है। आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका आपकी डेली रूटीन क्या है ये भी मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।